बहुत बहुत धन्यवाद सासारामी जी, और यहाँ उपस्थित जितने भी हमारे लोग हैं, और स्पेशली आप जितने भी लोग हैं यूपीएससी या फिर आपका ख्वाब होगा बीपीएससी में सफलता के लिए, तो सभी लोग का स्वागत है। एसपी साहब यहाँ पे उपस्थित हैं, उन्होंने अपनी सभी बातें, सभी जानकारियाँ, जितना भी उनका एक्सपीरियंस था अपना, बहुत ही डिटेल से, बारीकी से एकदम आपके सामने रखा है, बिंदुवार रखा है। तो अब सेम बातों को रिपीट करने का कोई बहुत ज़्यादा औचित्य नहीं है, बस मैं थोड़ा सा उसमें एक आध दो बातें अपने साइड से बस जोड़ देता हूँ। चूँकि आज बड़ा ही अच्छा दिवस है और बहुत ही अच्छा बात है, गर्व का बात है कि हमारे यहाँ से रोहतास जिले से पूरे स्टेट में रैंक वन आए हैं गौरव, और गौरव को इसके लिए बहुत बहुत बधाई है कि उन्होंने पूरे ही जिले का नाम रोशन किया है। हमें याद है अप्रैल में जब हम लोग का रिजल्ट मैट्रिक का हुआ था, तो उस समय भी हमारे ही यहाँ के दिनारा ब्लॉक के बलदेव हाई स्कूल का एक बच्चा जो था पूरे स्टेट में रैंक वन आया था। तो निश्चित रूप से रोहतास की धरती जो है समृद्ध है, और यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े विद्वान भी हुए हैं, और उसी में एक हम लोग बोल सकते हैं कि अंग के रूप में गौरव का भी नाम अब जो है दर्ज हो चुका है, और ये हम सब के लिए गर्व की बात है। इसके बाद जब हम लोग का संबोधन समाप्त हो जाएगा तो गौरव है, नरेंद्र है, राघवेंद्र है, ये सब लोग आपके साथ रहेंगे, और आपको जो है जितनी भी आपकी शंकाएं होंगे, बहुत सा डाउट होता है यूपीएससी के तैयारी में, बीपीएससी के एग्जाम देने में, तो सभी शंकाओं का समाधान होगा। और शंकाओं की बात है तो एक शंका का मैं भी आपका समाधान कर देता हूँ कि जब हमारा रिजल्ट हुआ था और हम भी एक बार सम्मान समारोह में थे, तो बाकी सब सवाल तो ठीक था। एसपी साहब को भी शायद याद होगा, उनके साथ भी ये सवाल हुआ होगा, तो फिर एक बच्चे ने बड़ा एकदम अच्छे से हाथ उठा के पूछा कि सर अब खाना क्या खाते थे। तो पता नहीं आप लोग का डाउट है कि नहीं, लेकिन ये सवाल अक्सर आता था। तो खैर, अच्छी बातों को सीखिए, अच्छे से गाइडेंस लीजिए। जहाँ तक हम लोग का बात है, तो हम लोग बहुत ही समझिए कि मेरा भी लगभग 8 साल तो खैर रिजल्ट आए हुए हो गया है, 8.5 साल एग्ज़ाम बैठे थे तो 9-10 साल हो गया है। संजीव ने जो बात बताई कि 28 साल के उम्र में उन्होंने 42 का या 46 का एग्ज़ाम लिखा, और उनका फाइनल रिजल्ट जब आया तो उनका एज जो था 31-32 साल हो चुका था। संयोग से 2011 को मेरा एग्जाम मेंस ये हुआ था, सीसेट का हुआ था, और उसका जो रिजल्ट आया था वो पता नहीं शायद अगस्त में आया था, मेंस जो था 2012 के 27 मई से था, और उसी टाइम मेरा यूपीएससी का एग्ज़ाम था, तो हम उस टाइम जो है इसका मेंस नहीं दिए थे। तो वो एक समय की बात थी, लेकिन राज्य स्तर पे इसके ऊपर बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ है, राज्य सरकार ने इसके ऊपर बहुत ही अच्छा काम किया है, और आज के डेट में कम से कम हर साल जो है रिजल्ट आपका हो रहा है, साथ ही साथ आपका सीसेट भी हो रहा है, रिटेन भी हो रहा है, इंटरव्यू का भी डेट पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं राज्य स्तर पर उपलब्धि है। और हम लोग गर्व के साथ बोलते हैं इस बात को कि आज के डेट में जो भी रिजल्ट हमारे स्टेट का आ रहा है, कहीं भी लिटिगेशन नहीं हो रहा है, हमारे पास रैंक वन बैठा हुआ है, कोई नहीं बोल सकता है कि रैंक वन का जो रिजल्ट है वो सेटिंग से हुआ है। लेकिन आज से 10 साल पहले 20 साल अर्ली में ऐसी स्थितियां नहीं थी, तो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है इसमें। और ये जो 5 ईयर्स वाला जो था प्लान वो इस समय नहीं है, तो आप लोग भी अच्छे से तैयारी कीजिए, बिल्कुल अच्छे से एग्जाम लिखिए, समर्पित होकर के तैयारी कीजिए। देखिए, हमने अभी जस्ट एक बात कहा था कि आप सही हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं, लेकिन जो है द्वंद में मत रहिएगा। लाइफ में जो है द्वंद बहुत गलत चीज है, हो सकता है आपके भीतर द्वंद हो कि कितना समय लगेगा, पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा। यदि आपको लगता है कि आपका नहीं होने की संभावना है, एग्जाम जो है मत दीजिए, नहीं होगा आपका। हम इस बात को लिखित में दे सकते हैं कि यदि आपको रत्ती भर द्वंद है कि आपका नहीं हो सकता, तो मत दीजिए, नहीं होगा। एसपी साहब ने एक बात जो आपके सामने रखी, हम लोग भी कोई बहुत अच्छे या फिर कहिए कि हमेशा से ही इतना ही हम लोग टैलेंटेड होते, आईआईटी में हम लोग का रैंक 1-5 में होता, लेकिन नहीं थे।
तो हम लोग के अंदर इतना ही था कि यकीन था कि यूपीएससी लिखेंगे, यूपीएससी होगा, और हम लोग का यूपीएससी हो गया। सेम आप लोग के लिए है, बिल्कुल अंदर में आप लोग रखिए। और पहला चीज है संकल्प। संकल्प यदि अच्छे से है कि करना है यूपीएससी, तो भी आपका यूपीएससी बीपीएससी जो भी आपका होगा। उसके बाद पार्ट आता है कि रणनीति। रणनीति में रैंक वन ने बहुत अच्छी बात कही आप लोग के सामने, और संभवतः आप लोगों ने ध्यान दिया भी होगा। इसने कहा कि हम जो है कोई डिटेल स्ट्रेटजी नहीं बताएंगे। बहुत सी स्ट्रेटजियां आपके सामने यूट्यूब पे और ये सब है, एकदम सही बात है, मैं इनकी बातों से सहमत हूँ। हर जगह आज के डेट आपके सामने रखी। हम लोग भी कोई बहुत अच्छे, या फिर कहिए कि हमेशा से ही इतना ही हम लोग टैलेंटेड होते, IIT में हम लोग का रैंक 1-5 में होता, लेकिन नहीं थे। तो हम लोग के अंदर इतना ही था कि यकीन था कि यूपीएससी लिखेंगे, यूपीएससी होगा, और हम लोग का यूपीएससी हो गया। सेम आप लोग के लिए है, बिल्कुल अंदर में आप लोग रखिए। और पहला चीज है संकल्प। संकल्प यदि अच्छे से है कि करना है यूपीएससी, तो भी आपका यूपीएससी बीपीएससी जो भी आपका होगा। उसके बाद पार्ट आता है कि रणनीति। रणनीति में रैंक वन ने बहुत अच्छी बात कही आप लोग के सामने, और संभवतः आप लोगों ने ध्यान दिया भी होगा। इसने कहा कि हम जो है कोई डिटेल स्ट्रेटजी नहीं बताएंगे। बहुत सी स्ट्रेटजियां आपके सामने यूट्यूब पे और ये सब है, एकदम सही बात है, मैं इनकी बातों से सहमत हूँ। हर जगह आज के डेट में बिल्कुल स्ट्रेटजी एकदम रखा हुआ है, रैंक वन का स्ट्रेटजी, रैंक फाइव का स्ट्रेटजी, और हर एक व्यक्ति को अपना जो स्ट्रेटजी है वो स्वयं बनाना चाहिए। हो सके तो आपका सर्टेन पार्ट अच्छा हो, सर्टेन पार्ट अच्छा नहीं हो। आपको संभवतः ज्योग्राफी अच्छी आती हो, हिस्ट्री अच्छी नहीं आती हो, किसी का लेखन शैली ठीक नहीं होगा, तो आपके पास, हर एक के पास अपनी अपनी समस्याएं हैं। स्वयं की समस्याओं का स्वयं समाधान आप लोग देखिए। रैंक वन ने ये बातें बोल दी, हमने बोल दिया, SP साहब ने बोल दिया, उसके हिसाब से कुछ भी डिसाइड मत कीजिए। गौतम बुद्धा ने एक बार बोला था कि देखो, यदि मैं कोई बात बोलता हूं तो उसी टाइम उसको सत्य मत मान लो, पहले लॉजिक पे उसको रखो, अपना लॉजिक दो, लॉजिक पे यदि वो सही लगता है उसके बाद उसको सत्य मानो, और यदि उसको सत्य फिर तुम यदि तुम सोचते हो कि सत्य है तो उसको जीवन में फिर आचरण में लाओ। सेम चीज BPSC UPSC में है। जितना भी स्ट्रेटजी, जितना भी अच्छा बात हम लोग आपके सामने रख रहे हैं, स्वयं को लॉजिक दो कि क्या मेरे लिए ये संभव है। एक इसका सिंपल एग्जांपल देते हैं। जब हम दिल्ली गए तो मेरा जो स्टडी टाइमिंग था, तो हमारा स्टडी टाइमिंग क्या था कि शाम 5:30 बजे हम सो करके उठते थे। ये सच्चाई बता रहे हैं, शाम 5:30 बजे सो करके हम उठते थे, और शाम 5:30 से लेकर सुबह में 11:15 तक हम रोज स्टडी करते थे, सुबह 11:15 बजे, और फिर सोते थे 11:30 बजे, शाम 5:30 उठते थे। तो ऐसा स्ट्रेटजी हो सके तो मेरे लिए सही था, हमको हो सके तो रात में स्टडी करने में अच्छा लगता था, लेकिन आपके लिए ये चीज़ सही नहीं हो सकता है। तो इसीलिए स्वयं का स्ट्रेटजी बनाइए। हम आएंगे तो ये मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, लाल बत्ती मिलेगा, घर मिलेगा, सारा चीज लगेगा, लेकिन बहुत बार आपको ऐसा लगेगा कि जो आपका एक्सपेक्टेशन सर्विस से था वो आपका फुलफिल नहीं हो पा रहा। संभव है, लेकिन उसके बाद फिर एक बात बता रहे हैं आपको कि जो मौका, जो सर्विस करने का मौका, और जो आपके पास अपॉर्चुनिटी सिविल सेवा देता है, चाहे वो UPSC हो चाहे BPSC है, वो कोई नौकरी नहीं दे सकता है, कोई नौकरी नहीं दे सकता है। ये बात हम यहाँ पर 8 साल नौकरी होने के बाद बोल रहे हैं। भले ठीक है सैलरी आपकी बहुत अच्छी नहीं हो सकती है, संभव है आपके दोस्त लोग आपसे बहुत अच्छी स्थिति में रहते हैं, संभव है आपका जो भी स्थानांतरण होगा रूरल एरिया में होगा, संभव है आपकी फैमिली के लिए रहने को घर नहीं होगा, संभव है कि मतलब बच्चा आपका होगा उसके पास, जो भी बच्चा होगा उसका फिर स्कूल विद्यालय ठीक नहीं मिलेगा, लेकिन जो संतुष्टि आपको इस नौकरी में आपको प्राप्त होगा वो आपको दिल्ली बंबई में या फिर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के नौकरी में नहीं मिल सकता है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। तो बस
फिर से आप लोग को शुभकामना है और बिल्कुल उम्मीद रहेगा कि आज से 10 साल के बाद हमारी नौकरी भी लंबी है, एसपी साहब की भी नौकरी लंबी है, हम लोग का नौकरी अभी 27 साल कम से कम और है, 47 में रिटायर होंगे हम लोग, तो आप लोग की भी नौकरी लंबी है। ऐसा तो मौका आएगा ही आएगा जब आप हम लोग के साथ में काम कीजिएगा, तो बिल्कुल आशा उम्मीद रहेगी कि जब आपसे भेंट हो तो यही जोश जो आपका इस समय दिख रहा है वही जोश उस समय भी दिखे। धन्यवाद।